हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है। दोस्तों जो ये सब्जेक्ट है बीए इंग्लिश ऑनर्स के 4 सेमेस्टर के लिए है। दोस्तों बीए इंग्लिश ऑनर्स के 4 सेमेस्टर का सिलेबस है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, इसे एसओएल की साइट से मैंने डाउनलोड किया, आप भी चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। एग्जाम पैटर्न को समझने से पहले दोस्तों यहाँ पर आपके यूनिट के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट में पोएम दिए गए हैं, ठीक इसी तरह यूनिट टू में भी आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पोएम्स वो बताए गए हैं। यूनिट थर्ड में दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन न्यूयॉर्क ब्रियन के चाइल्डहुड के पोएम दिए गए हैं, पर्सी मिसल दिया है, शैली दिया है, जॉन कीट्स दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपका यूनिट फोर है ये नोवल है, इसमें दोस्तों आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे यूनिट फोर में से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो यूनिट फोर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, इसमें दोस्तों आपके 2 सेट होंगे, एक सेट ए और एक सेट बी। सेट ए में दोस्तों 5 क्वेश्चन रहेंगे, सेट बी में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से दोस्तों आपको 3-3 क्वेश्चंस करने होते हैं। टोटल दोस्तों आपका 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से दोस्तों आपका पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन पोएम में से और जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके नोवेल में से है। ये था दोस्तों क्वेश्चन पेपर लिटरेचर का। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।